नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, इस पर संसद में चर्चा हो रही है और इस बिल की चर्चा ना सिर्फ संसद में बल्कि देश भर में हो रही है। इतिहास रचने जा रहा है हमारा देश। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, संसद में भागीदारी बढ़ेगी। आने वाले वक्त में जो हम कहावत सुनते थे इतिहास में कि कंधे से कंधा मिलाकर महिला चलेगी, पुरुष के साथ चलेगी, वो बात आने वाले वक्त में सही साबित होने वाली है। इसलिए ये विशेष सत्र, अगर मैं कहूं कि ऐतिहासिक सत्र होने वाला है, ये गलत नहीं होगा कहना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी एक महिला है और उनको भी खुशी है। सोचिए आप, हमारी देश की राष्ट्रपति एक महिला है और आने वाले वक्त में संसद में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज भी जाने वाला है। इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह कहा भी है कि महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण आने वाले वक्त में होगा और ये सुनिश्चित करवाने के प्रस्ताव के बारे में उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि संसद में ये आकार ले रहा है, ये लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी पहल होने वाली है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। We ensured a minimum of 33% reservation for women in local bodies election. What is more, in a pleasant coincidence, a proposal to provide similar reservation for women in the state assemblies and national parliament is taking a shape now. It will be the most transformative revolution in our times for gender justice.